उत्तर प्रदेश में धूप की तेजी के साथ ही वोटिंग की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ ही दिग्गज भी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और मायावती से लेकर प्रियंका गांधी ने जनता से मतदान करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा जीत का सरताज, इन सवालों के जवाब 10 मार्च को सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले जनता अलग अलग चरणों में वोट कर दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है। आज चौथे चरण की बारी है, जिसमें 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 624 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। इन्हीं प्रत्याशियों को जिताने के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और विपक्षी दल वोटिंग की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान करें। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जनता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान है, मैं सभी मतदाताओं से इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करता हूं। आपका एक वोट प्रदेश के करोड़ों गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और माफियाओं के आतंक से मुक्त बनाए रखने में अहम योगदान देगा। वहीं सीएम योगी ने भी लिखा कि जनता बढ़ चढ़कर वोट करें। इसी के साथ ही मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम खुश नहीं है, वो सपा को वोट नहीं देंगे। यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को घेरते हुए जनता से वोट का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपका वोट अगर रोजगार, रोजी रोटी, अच्छी शिक्षा और सेहत, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की बेहतरी संभव है। प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी से मतदान करें। अब दिग्गज तो अपील करने के साथ साथ विरोधियों पर बरस रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जनता किसे विजय बनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।